मेरे इस चैनल के अंदर। जैसे आप देख रहे होंगे, आज एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर के आ गया हूँ एनके प्रॉपर्टीज के पास में। जी हाँ, एनके प्रॉपर्टीज, जिसका अपने दिल्ली एनसीआर के अंदर घर नहीं है, घर लेना चाहते हैं, किराए पे रहते हैं, भाई दिहाड़ी वाले हैं, मजदूरी वाले लोग हैं, तो भाई उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। आज मैं आपको मात्र आपकी दिहाड़ी से भी कम, जी हाँ, मात्र 350 रुपये रोजाना की किस्तों के ऊपर आपको जो मैं यहाँ पे प्लॉट दिखाने वाला हूँ, जड़ से आपको यहाँ पे मकान मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ, आप इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है लोन वगैरह का, और कैसे सिर्फ दिन का 350 रुपया खर्च करके आप जो है अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जगह के मालिक बन सकते हैं और किराए से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे, कई सारे प्रवासी जो है यूपी हो गया, बिहार हो गया, या कई अलग अलग शहरों से आकर के जो है दिल्ली के अंदर रहते हैं, लेकिन खुद के मकान नहीं है। वो क्या करते हैं, डेली के जो है मान के चल लीजिए 700 से 800 रुपये अपना दिहाड़ी कमाते हैं और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये किराया भरते हैं। लेकिन इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए लेकर के आगे हैं एनके प्रॉपर्टीज़ के पास में, जो दिल्ली एनसीआर से मात्र, दिल्ली से जो है मात्र 0 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोनिका सिटी के अंदर सिर्फ 350 रुपये की किस्तों के अंदर आपको जो है जड़ से प्लॉट देने वाले हैं। तो चलिए आपको भैया से मिलवाता हूँ, आ जाइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर भैया से मिलवाने वाला हूँ, आ जाइए। तो चलिए व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ पे भैया से मिलवाने वाला हूँ, जो मात्र 350 रुपये दिन के हिसाब से जो है आपको प्लॉट देने वाले हैं। आप अपने जो है आशियाने के मालिक बन जाएंगे, जो सपना आपने आज तक देखा होगा उसे हकीकत में पूरा करने वाले हैं। तो भैया कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस दुआ है सर आपकी। सर मैंने सुना है 350 रुपये में आप प्लॉट दे रहे हो, क्या ये बात बिल्कुल सही रहने वाली है? भैया 350 रुपये रोज में प्लॉट दे रहे हैं हम। 350 रुपये रोज में दे रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, तो अभी बस देख सकते हैं बिल्कुल हकीकत, यहाँ पे मात्र 350 रुपये रोज की किस्तों के अंदर आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। अगर आपकी दिहाड़ी 700, 800, 600 है तो भाई उससे कम के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट मिलने वाले हैं। एक रिहायशी सपना जो आपका है वो पूरा होने वाला है। तो भैया अगर बात करी जाए प्लॉट वगैरह की, तो कैसे क्या प्रोसेस रहता है 350 रुपये वाला, जो आजकल आपने काफी धूम मचा रखी है मार्केट में? भैया 350 रुपये पर डे के हिसाब से है, आप पर डे दे दो या महीने का उसे इकट्ठा कर वो जो देना चाहो वो दे दो। 12,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक की हमारे पास गज के हिसाब से जमीन है। ओके जी, और बैंक से हम लोन करा देते हैं 6 महीने से लेकर 10 साल तक का, जितना भी लोन कराना वो लोन करा के देंगे हम। अच्छा, 6 महीने से 10 साल तक का लोन आप करवा के देते हैं? बिल्कुल करा के तो देंगे। सर जो ये लोन होता है, लोन का प्रोसेस वगैरह सारा स्मूथली हो जाता है या इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन? क्योंकि देखिए जितने भी हैं यहाँ पे ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर है, उनके पास जाहिर सी बात है ITR वगैरह का वो पॉसिबल नहीं है या ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्या आप रेगुलर करवा सकते हैं? बिल्कुल रेगुलर हम उसे जो भी लोन होगा लोन प्रोसेस वो हम करा के देंगे, बस आप अपनी ID हमें दीजिएगा और हम आपको लोन करा के देंगे। क्या बात है, अभी बस देख सकते हैं, यानी आपका जो भी अब टेंशन रहेगी वो सिर्फ आप 350 रुपये तक की टेंशन रखना, इसके अलावा कोई चिंता नहीं। एक आईडी दो आईडी लेकर के आइए, भैया के पास में पहुंच जाइए और आपके घर का सपना यहाँ पे साकार हो जाएगा। तो भैया अगर बात करी जाए, ये प्लॉट ऐसी जगह तो नहीं है जैसे हम आजकल देखते हैं मरुस्थल में किसी ने दे दिया या खाई में दे दिया, ऐसे तो कंडीशन नहीं रहने वाली है? भैया दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर है, ट्रोनिका सिटी बिल्कुल इसके जस्ट बराबर में है। ओके, लोकेशन बाकी आपने देख ही रखी है और गारंटी वाले प्लॉट है भैया हमारे, गारंटी वाले। भैया हम कोई लालच ही रखते हैं कि भाई छोटा मोटा देकर लालच कर ले या किसी ग्राहक को फंसा दे, ठीक है ना, ये हमारे पास गारंटी वाले प्लॉट होते हैं। क्या बात है, विवाद देख सकते हैं गारंटी वाले प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बैंक लोन हो रहा है, मतलब बैंक का कंप्लीट सर्वे होता है तभी बैंक लोन पास करता है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह चेक करता है, यानी एक पक्की रजिस्ट्री के साथ में पक्का लोन आपका होने वाला है। आपको पता ही होगा जहां पे बैंक इन्वॉल्व हो गया वहां पे किसी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, सारा जेन्युइन 100% ओरिजिनल, और आप अपने जो है जड़ से मकान के मालिक बन सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे फैसिलिटीज की, तो आपको हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, मॉल हो गया, और यहाँ से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे भी मेरे ख्याल से पास हो रहा है जो बन रहा है। हाँ जी भैया, दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे पास हो रहा है और प्लस बराबर में ही ना दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल तैयार बन चुका है। क्या बात है, विवश देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन की बात करूं सर, यहाँ पे मेट्रो की कोई कनेक्टिविटी आसपास में? मेट्रो हमारी शिव विहार तक मेट्रो आ चुकी है, बाकी आगे का प्रोसेस चालू है, मतलब साल 6 महीने में ट्रोनिका सिटी तक जहाँ पर आपका प्लॉट है वहां पर मेट्रो स्टेशन आएगी। ओके, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर का नॉर्मल डिस्टेंस होगा, ज्यादा नहीं। हाँ, मोस्टली 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। नॉर्मली जितना रिक्शे वगैरह चलते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सर, और भी अगर बात करी जाए यहाँ पे कनेक्टिविटी फैसिलिटीज वगैरह की, तो लाइटिंग और बिजली पानी का कैसे क्या रहता है? सर सरकारी लाइट है यहाँ पर। ओके, कनेक्टिविटी है सरकार की तरफ से दी गई है, पानी मीठा पानी है यहाँ पर,
कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे आपके रोजगार की फैसिलिटी, जो रोजगार आप दिल्ली एनसीआर के अंदर करते हैं बिहाड़ी पे, वो रोजगार आपको यहाँ पे ट्रोनिका सिटी की कंप्लीट फैक्ट्रियां लगी हुई है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। घर के पास में रह करके आप मालिक बन सकते हैं, मकान बनाने के बाद आप चाहे उसे किराए के ऊपर चढ़ा करके किराया भी ले सकते हैं। सिर्फ 350 रुपए आपको डेली का निकालना है जो आपके प्लॉट की किस्तें रहने वाली हैं। आपको यहाँ पे हमने रोजगार मुहैया करवा दिया, स्कूल कॉलेजेस मुहैया करवा दिए आपके बच्चों के लिए, आने जाने के कन्वेंस वगैरह के लिए मेट्रो वगैरह हो गई, एक्सप्रेस वे हो गए, सारी कनेक्टिविटी सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है पॉल्यूशन से मुक्ति। जी हाँ, थोड़ा सा दिल्ली के आउटर में अगर आप आते हैं तो देखेंगे पेड़ पौधे ज्यादा है, स्वच्छ सारी चीजें मिलने वाली हैं और जो माहौल है वो काफी अच्छा मिलने वाला है, एनवायरमेंट काफी साफ मिलने वाला है। तो व्यूअर्स चलिए आपको जो है मैं एक दो जो है प्लॉट दिखाता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, बाकी आप वीडियो के अंदर देख सकते होंगे क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ऊपर मेरे यहाँ वीडियो शो हो रही है, आप वीडियो के अंदर सारी चीजें करते रहिए। बैंक का लोन जो है काफी स्मूथ रहने वाला है, बाकी भैया से आप मिलेंगे, सारे प्रोसेस यहाँ हो जाते हैं। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इतनी फाइल्स लग चुकी है जो एग्रीमेंट वगैरह साइन करके जा चुके हैं। ये भैया का ऑफिस रहने वाला है, यहाँ ये आप विजिट करिए, विजिट करने के बाद आपके जो भी टेंशन रहेगी सारी जो है भैया ले लेंगे। बस आपको जो है अपनी एक दो आईडी लेकर के आनी है और आपको खुद यहाँ पे हाजिर होना है।